फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स की ओर से आपको बहुत अच्छे ऑफ़र देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी जो है नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे ऑफ़र दे सकता है। क्यों फ्रेंड्स? आपको पता होगा जो नेटफ्लिक्स है वो OTT प्लेटफॉर्म का जायंट्स कहा जाता है। सबसे पहले लोग जो थे नेटफ्लिक्स को ही जानते थे, उसके बाद जो और OTT प्लेटफॉर्म आ गए, Amazon या फिर Hotstar जो भी है उसके बाद आए, पर अभी भी नेटफ्लिक्स को ही OTT प्लेटफॉर्म का एक जायंट्स कहा जाता है। पर हुआ क्या, नेटफ्लिक्स की एक गलती की वजह से नेटफ्लिक्स को यहाँ पे डिप होना पड़े। नेटफ्लिक्स के जो स्टॉक है 35% तक डिप हो चुके। दो ऐसे मेन रीजन जिसकी वजह से जो है नेटफ्लिक्स अभी फ़िलहाल के लिए डाउन हो चुका है, 35% शेयर उनके जा चुके हैं। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको नेटफ्लिक्स और बेहतर ऑफ़र दे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ट्विटर पे जाओगे, स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन, आखिर हुआ क्या है कि नेटफ्लिक्स की कुछ टाइम में ही, सिर्फ एक या दो महीने में ही 35% शेयर डाउन हो चुके हैं या फिर स्टॉक जो है क्रैश हो चुका है। और इसका एक मेन रीज़न क्या है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके सीधा सीधा ये बता दिया है कि नेटफ्लिक्स ने सिर्फ कुछ ही महीने में 2 लाख जो उनके सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्रिप्शन है, जो उन्होंने जो है रिमूव कर दिए, मतलब छोड़ के जा चुके हैं नेटफ्लिक्स को। सिर्फ एक इसी ट्वीट के बाद जो है नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे 35% स्टॉक एक साथ ही डिप हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है या फिर बन सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को अच्छे से पता है कि मार्केट में रहने के लिए उनको कुछ अच्छा ऑफ़र देना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ टाइम पर आप यकीन मानिए नेटफ्लिक्स आपको और भी अच्छे ऑफ़र देने वाला है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो नेटफ्लिक्स के स्टॉक क्रैश हो गया, फिर नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्रिप्शन कम हो चुके हैं। अभी आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया नेटफ्लिक्स के लिए कि कोई वायरस ने नेटफ्लिक्स को यहाँ पे जो है डिप कर दिया, खा दिया। तो एलन मस्क जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 के अभी रईस है, उन्होंने एक उनका ट्वीट किसी भी स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, शेयर मार्केट को कम कर सकते हैं। तो ये दो रीज़न अभी मेन है जो मुझे लगते हैं। और मेन रीज़न यहाँ पे खुद नेटफ्लिक्स ने एक ट्वीट करके बता दिया कि भाई सिर्फ एक महीने के अंदर या फिर कुछ टाइम में ही 2 लाख उनको जो सब्सक्राइबर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। और इसका एक मेन रीज़न आपको ये भी पता होगा फ्रेंड, जब आप नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जब आपका महीना ख़त्म हो जाता है तो नेटफ्लिक्स ऑटो जो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने वहाँ पे एक बार उन्हें पे कर दिया तो आप भूल जाते, तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली वो रिचार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम पर आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स की ओर से, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए नेटफ्लिक्स को ज़रूर 101% यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफ़र देने पड़ेंगे अपने यूज़र को, ताकि वो उनके जो है OTT प्लेटफॉर्म के साथ रह सके। तो फिलहाल के लिए एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक है क्रैश हो चुका है, 35% तक डाउन हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको जो है नेटफ्लिक्स से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें नेटफ्लिक्स के साथ है कि ऑटो प्ले जो है उसका रिचार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है। सब्सक्रिप्शन जो है, अभी जो सबसे नीचे सब्सक्रिप्शन, सबसे कम सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स का, वह 149, जो कि एक डिवाइस पर आप उसे यूज़ कर सकते हो और एक महीने तक होता है। सिर्फ उसमें जो क्वालिटी का आपको वहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स के लेके और भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर एक बार कमेंट्स करके बताइए, तो कोशिश करूँगा उनका आंसर करने की। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई दिया कि आने वाला कुछ टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है नेटफ्लिक्स की ओर से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।